हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। तो फ्रेंड्स, मैंने इस पुराने साइकिल में टॉप का मॉडिफिकेशन किया था। फ्रेंड आपको सेफ रखेगा, आपकी जान बचाएगा। देखिए यहाँ भी दो का सिक्का लगाया है, देखिए फ्रेंड्स बैक में। तो फ्रेंड्स, सब लोगों की वीडियो बहुत पसंद आई। फ्रेंड्स मुझे बहुत खुशी भाई, मेहनत फसल होगी। चलो फ्रेंड्स पढ़ा भाई, नई वीडियो स्टार्ट करते हैं। आयो फ्रेंड्स, ये वाली वीडियो भी आपको पसंद आएगी। तो भाई चलिए चलते हैं। चैन टूट गई, देख सकते हो गाइस, यही प्रॉब्लम है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहते लाइफ में। खैर भाई, चैन तो जुड़ सकती है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसे नहीं हो सकता भाई। हम इसमें एक ऐसी चैन लगा दे जो फ्रेंड टूटे ही नहीं, कभी भी नहीं टूटे, उतरे भी नहीं। तो गाइस देखते हैं क्या होता है अगर हम बाइक की चैन लगा दें। चलिए देखते हैं समर एक्सपेरिमेंट। तो गाइस ये रही मोटरसाइकिल की पुरानी चैन। फ्रेंड्स आप इसकी हालत देख सकते हो, कितनी गंदी भाई ये हो रही है। जब मैं लेकर आया था और मुझे इसी 50 रुपए की मिली है, तो फ्रेंड्स मैंने इसे बहुत अच्छे से क्लीन किया केरोसिन ऑयल से, बहुत अच्छे साफ हो जाती है। अब देख सकते हो काफी साफ है और मेरा हाथ भी थोड़े बहुत काले कर रहे हैं। थोड़ा बहुत इसमें लुब्रिकेंट होना भी चाहिए, ऑयल होना भी चाहिए, फ्रेंड्स बिल्कुल जैम हो जाएगी। चलो गाइस इसे देखते हैं भाई, ये आती है नहीं आती है, कैसे करती है, कैसा काम करती है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। प्लीज दोस्तों बने रहिए। एक बात और देखिए फ्रेंड्स, जब अचानक चैन टूट जाती है तो फिर उससे काफी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है भाई, बहुत खतरनाक है चैन का टूटना चलाते वक्त। तो फ्रेंड्स ये चैन सेफ्टी पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखते हैं फ्रेंड्स काम करती है नहीं करती है, कितना काम करती है, सब चीज देखूंगा। चलो मैं पढ़ाउट भाई से कवर खोलते हैं। तो भाई सबसे पहले भाई कंपेयर करते हैं कितना फर्क है दोनों की मोटर में। देखिए कितना फर्क, देखिए फ्रेंड्स ये तो बच्चा लग रहा है भाई। और इसमें ऐसे कर दूँ और ऐसे कर दूँ, देखिए कितना डिफरेंस है। और भाई पता नहीं आ पाएगी नहीं आ पाएगी, ये कैसे काम करेगी। चले गाइस फटाफट रखते हैं साइड में और भाई फटाफट इसका खोलते हैं चैन कवर, उसके बाद फिक्स करते हैं। तो गाइस इसकी चैन भाई निकाल लेते हैं। कल्लर ये पूरी कल्लर है, पूरी स्पेशल इस तरीके से उतरेगी। देखिए गाइस ये काफ़ी घिस चुकी है चैन, देखिए। खैर ये अलग मैटर है, इसे हम जोड़ सकते हैं बाद में, फिलहाल इस पर आते हैं। तो गाइस ये बाइक की चैन और ये मजदूर का हाथ कल्लुए हो गए। तो गाइस फटाफट भाई देखते हैं कैसा होता है काम। भाई वाह भाई वाह भाई वाह गाइस, लगता तो भाई परफेक्ट है बिल्कुल। देखिए लेकिन गाइस भाई चलने में कैसी होगी सारा एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगा। और भाई देखते हैं कितनी लंबी बैठती है, यहाँ भी ठीक आ रही है। हाँ ठीक है गाइस, ठीक है। थोड़ी सी भाई हमें से थोड़ी सी कट करनी पड़ेगी। तो गाइस की दो पॉइंट हम निकाल देते हैं, उसके बाद इसे फटाफट लगा देते हैं। तो गाइस चैन निकालना काफ़ी ईजी है, देखिए कोई भी इस तरह का वाशर नट रखे और भाई बजा दो बस आ गए। पर कोई भी स्विमी टैप कर लो और भाई नीचे पहले कुछ और बड़ा लगा देते हैं। सेम वही है जो साइकिल का प्रोसेस है निकालने का, सेम इसका ही वही है। बस ये प्लास्टिक पकड़ खींच देंगे, निकल गए भाई। देखे क्लिप काफ़ी आसानी से हट गए हैं और गाइस ये पिन अभी फेंकने नहीं है। गाइस चैन जोड़ना तो यार बच्चों का खेल है, जुड़ के नहीं। अच्छा मैं बड़ा हो ना, बच्चों का खेल है ना। चलिए भाई ऐसे मिला दिया और भाई कील वापस रखी और मजा दिया। गाइस चैन को प्रोपर जोड़ना बहुत जरूरी है, ये बिल्कुल नीचे देगी, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है ना, इसे बिल्कुल नीचे मिलाना है, बिल्कुल बिल्कुल नीचे, थोड़ा सा जैसे ही है बाकी। देखिए अब ठीक है, अब भाई चाहे इधर से मार दो, पहले तो ठुक जाएगी, बस हो गया, अब नहीं निकलेगा भाई। ये देखिए यहाँ से ठुक गई है। तो चलिए गाइस अब लगा लेते हैं चैन, जिससे भाई हमें भी चैन मिल जाए। और ये थोड़ी सी मैंने फिक्स रखी है जिससे भाई उतरे ना। ओए आजा शेर तू तो आ गया भाई, वाह देखिए भाई वाह, थोड़ा सा धक्का लेते हैं, लग रहा है सिट्टा कर जाएगा। हाँ अब ठीक है, देख गाइस देख सकते हो थोड़ी सी चैन टाइट है, मैं थोड़ी सी लूज कर देता हूँ। 1 minute 37 seconds later। तो गाइस चैन को मैंने लूज कर लिए, ज़्यादा लूज नहीं है, बिल्कुल फिट है। एक बात और बताना चाहूँगा, देख गाइस अगर मैं चैन को उतारना भी चाहूँ हाथ से, देखिए अगर मैं थोड़ा सा धक्का लेता हूँ इसे, ठीक है गाइस नहीं उतरेगी, उतर ही नहीं सकते भाई। अगर उतर भी जाते हैं देखिए, अगर देखिए नहीं उतरेगी क्योंकि फ्रेंड देखिए चौड़ी बहुत है उस चैन के मुकाबले, देखिए कितना स्पेस है, उतरेगी फ्रेंड। ये भी काफ़ी मोटा एरिया है, ठीक है, और ये भी काफ़ी चौड़ा एरिया है। तो भाई इसके बेनिफिट भी और इसके नुकसान क्या है ये फ्रेंड्स मैं आपको वीडियो बताऊंगा। तो भाई देखिए मैं उतारने की कोशिश करूँ, फ्रेंड्स नहीं उतर पा रही चैन, ना इधर से उतरेगी और ना ही इधर से उतरेगी। गाइस चलाने से पहले थोड़ी सी ऑयलिंग कर लेते हैं इसकी भाई, काफ़ी अच्छा रहेगा। उसमें तो भाई ऑयल था, इसमें नहीं है तैयार, ये तो ना इंसाफी है, दोनों में एक होना चाहिए, परफेक्ट। अब देखते हैं गाइस ये चलने में कैसी है। चलिए गाइस बन रही है। तो फ्रेंड्स मैं बाहर आ गया हूँ, शमशान तो नहीं लग रहा है, बाद बना लेंगे वीडियो।
अरे यार तो करानी पड़ेगी दोस्त, देखते भाई चला के क्या होता है। और फ्रेंड्स मैं इसके फायदे बताऊंगा और भाई नुकसान ही बताऊंगा। ऊपर जी पहले भाई चला के देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। भाई वाह गाइस, एक बात तो भाई बिल्कुल तय है, बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा फ्रेंड्स कि भाई मैंने इसकी चैन बदल दिया, इसकी चैन बाइक की लग रही है, बिल्कुल भी पता नहीं लग पा रहा, सेम टू सेम है। तो फ्रेंड्स भाई मुझे लग रहा फ्रेंड्स का नुकसान तो कुछ नहीं है, एक नुकसान को छोड़कर इसका जो चैन कवर होता है ना, जिसको ऊपर चढ़ता है चैन कवर फ्रेंड्स, वो दिक्कत करेगा, वो आ सकता है तो थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, वो आ जाएगा, बस ये दिक्कत है। अगर आप इसे चैन कवर नहीं चढ़ाओगे तो फ्रेंड्स ये पेंट चाप सकता है भाई, फिर पता है आदमी ऐसे गया जैसे पुतला कपड़ों की, मैं गिरा हूँ पुतला थोड़ी हूँ, देख सकते इस तरीके से। गाइस कभी गिरे हो, अगर गिरे तो फ्रेंड्स पता है भाई मैं गिरा हूँ ना, मेरी पेंट जो ना चैन में आ गई थी। और फ्रेंड्स बस इस पैर को नो कर रहा था ना इस तरीके से भाई, मजा आ गया था, तूफान मुझे ना पतला पुतला गिर जा रहा है। तो गाइस देखिए अब इसको थोड़े से फायदे जान लेते हैं। फ्रेंड्स इस चैन के फायदे ही फायदे हैं, नुकसान तो मैंने आपको इसका बता दिया कि भाई बस चैन कवर नहीं चढ़ेगा, चढ़ तो जाके इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। और गाइस अब इसके बेनिफिट पर आते हैं जो कि बहुत सारे हैं। सबसे पहला बेनिफिट देखिए, चैन बहुत स्ट्रांग है पहले के मुकाबले, ताकतवर हो गई है पहले मुकाबले, थोड़ी एक्सरसाइज कर ली है, थोड़ी मोटी है, चौड़ी देख सकते हो फ्रेंड, उतरेगी नहीं टूटेगी नहीं, अभी उतरेगी नहीं और टूटेगी तो फ्रेंड्स आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। हाँ भी मैं एक अच्छी एक मजबूत चीज चला रहा हूँ फ्रेंड्स, आप जानते हो बाइक में कितना हाई टॉर्क होता है, इंजन में कितनी पावर होती है, आप भाई टांगों से नहीं लगा सकते पावर, तो फ्रेंड्स ये बाइक के चैन है उससे नहीं टूटती, मतलब टूट जाएगी पर वो काफी अरसों बाद। अब भाई सपोज कीजिए भाई आपने इसे लगा लिए भाई, अब कितनी ताकत लगा लो फ्रेंड्स नहीं टूटेगी, उतरेगी नहीं टूटेगी तो फ्रेंड्स आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ जाएगा, खूब साइकिल चलाइए नो टेंशन। और गाइस मैं इसे फ्री चला के दिखाऊं, देखिए देख सकते हो कोई भी देगी कहीं भी अटका नहीं देगी, बहुत बढ़िया स्मूथ चल रही है, देख सकते हो अगर मैं इसे चलाऊं देगी, ब्रेक मार देता हूँ देगी, बहुत बेहतरीन बिल्कुल फ्री देगी, बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है फ्रेंड्स। यकीन मानिए भाई मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा ये वर्क करेगी, लेकिन फ्रेंड्स आप लगा सकते हो बहुत अच्छा वर्क करिए, बस थोड़ा सा आप चैन कवर मॉडिफाई कीजिए और भाई साहब बेधड़क होकर यूज कीजिए। तो गाइस चलिए आपकी प्रॉब्लम में सॉल्व कर देता हूँ, लग गया तो इस पर चैन कवर चढ़ा ही देता हूँ। चलिए तो गाइस ये रहा मड गार्ड, इसे लगाने से पहले आपको एक चीज बिल्कुल पास से दिखाना चाहूंगा। जी गाइस इधर देखिए, देखिए ये जो कड़ी है, देखिए ये जो देखिए बिल्कुल फिक्स आ रहा है, देख सकते हैं इसके अंदर देखिए इतना फ्रेंड जो साइकिल चैन है वो फिक्स नहीं आता जितना बाइक की चैन फिक्स आ रही है देखिए। और सैम इसमें भी है, देखिए जो तीत है ना बिल्कुल फिक्स आ रहे हैं चैन के अंदर देखिए, देखिए तो बहुत ही बेहतरीन भाई ये काम भी कर रही है। चलेगा भाई धीरे न करते हुए मड गार्ड को लगाते हैं। तो गाइस ये लग चुका है, अब इसे चला के देखते हैं, देखिए आवाज कर रहा है देखिए ये टकरा रहा है, तो भाई थोड़ा सा हम वैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हल्का फुल्का अगर हो जाए तो। तो गाइस मुझे लगता है भाई ये यहाँ पे अड़ रहा है थोड़ा सा देखिए। तो गाइस मैंने थोड़े से क्लिप इसके लूज कर दिए, थोड़े से टेढ़े हो रहे थे देखिए, अभी बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट हो गया है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया मैंने देखिए, बहुत बड़ा देखिए गाइस देखिए पहले तो काफ़ी अच्छा हो गया है। और फ्रेंड्स आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो अपने साइकिल में चैन लगा के, तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा वर्क करिए आप लगा सकते हो, बहुत बड़ा काम कर रही है। और फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लगी फ्रेंड्स, ये एक्सपेरिमेंट आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज दोस्त वीडियो को लाइक करें भाई, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और भाई जो बताए आपकी वीडियो कैसे लगी, ये एक्सपेरिमेंट फ्रेंड आप करना चाहोगे नहीं चाहोगे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।